ओए भाई, तो किसको ब्लॉग बनाते हैं वो देखना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि ये जो रियल सिग्मा वाले लोग हैं ना, ये लोग ब्लॉग बना तो कहते ही बहुत तगड़ा मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ। अच्छा लाइक। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। अरे अरे, मेरा मतलब है जैसे कौन लोग। जैसे वैसे ठीक है, तू बता पहले। इस बार हर बार मैं नहीं बताऊंगा आंसर। हाँ, हर बार इस बार तू ही देगा भाई आंसर पहले। हाँ मैं बताऊँ, देख मेरे हिसाब से ना, जॉनी सिंस अगर ब्लॉग बनाएगा बहुत मजा आएगा। मतलब कि यही तगड़ा सीन होगा, पूरी दुनिया उसको देखेगी, पूरे इंटरेस्ट के साथ में उसका ब्लॉग देखेगी। मतलब कि वो आदमी बता सकता है पूरी दुनिया को कि आप बेड पे पड़े पड़े कैसे पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर इस दुनिया को बिजनेस सीखना है, और मतलब बिजनेस में मतलब कि अपने तारों को अगर देश में लाने हैं, तो वो केवल इस दुनिया को केवल एक ही आदमी बता सकता है, वो है एंड्रयू टेट। मैं कह रहा हूँ, जिस दिन इस बंदे ने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, पूरी बेरोजगारी दुनिया में से खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग ही खत्म हो जाएंगे। और एक और मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो डैन बिलजेरियन। अगर डैन बिलजेरियन ब्लॉग बनाएगा, मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि सीन पूरी दुनिया में क्रेजी हो जाएंगे। और उससे सबसे ज्यादा मतलब कि नॉलेज और सबसे ज्यादा ज्ञान अगर देखने को उससे ज्यादा मिलेगा, तो वो होगा आर्किटेक्चर को। क्योंकि आर्किटेक्चर को फिर पता पड़ेगा कि घर कहाँ पे और कैसे बनाते, क्योंकि जिस तरीके का उसका घर है और जहाँ लोकेशन पे मतलब कि योट है आइसलैंड के ऊपर, मतलब कि वो मजे आ जाएंगे वो लोग देख के। मतलब कि मजा आ जाएगा भाई, सही कह रहा हूँ, मजा आ जाएगा। और जिस दिन अंबानी जी व्लॉग बनाने लगा, मैं कह रहा हूँ कि इस दुनिया के लोगों को पता पड़ जाएगा कि वो कितने गरीब है। क्योंकि अभी तक जो दुनिया के लोग हैं, ये ब्रह्म में जी रहे कि मतलब कि खुद को समझ के बैठे कि अपू नीच राज। अरे घंटे का राज्य के तुम्हारे से महंगे है, तो उसकी बाथरूम की चप्पल होगी। और जो ये मार्केट में नई नई लड़कियां घूम रही ना, जिस दिन किम कर्दशियन ने दर्शन दे दिया यूट्यूब पे व्लॉग बनाते हुए, इन सभी लड़कियों को पता पड़ जाएगा कि नेचुरल ब्यूटी क्या होती है और ब्रांड ब्रांड होता है। और बाकी का तो भाई तुम समझ ही गए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा समझदार जो हो इसलिए। हाँ, और मैं कह रहा हूँ मतलब कि वो जब भगती भी होगी ना, तो भी इनसे खूबसूरत चीज निकलती होगी। लेकिन मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि वो भगती भी होगी, क्योंकि उनके तो मेरे हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ होगा। और मैं सबसे ज्यादा इसको चाहता हूँ कि मतलब कि जो व्लॉग बना वो संजू पापा, क्योंकि संजू पापा के जो व्लॉग होंगे ना, मतलब कि यार व्लॉग का असली मजा सनसेट वाली चीजें मजे आ जाएगा। मतलब कि फिर चाहे व्लॉग हो या लोग हो कि वीडियो, सनसेट वाली चीजें में मजा आता ना यार। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विराट कोहली जिससे मैं व्लॉग बनाते हुए देखना चाहता हूँ। मतलब विराट कोहली व्लॉग चैनल खोले और उसके पहले ही चैनल पे पहली वीडियो जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए अकाई कोहली फेस रिवील। मैं कह रहा हूँ तू लिख, मैं कह रहा हूँ 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज आएंगे। लिख के ला तू, स्टाम्प पे पढ़ ला, मैं अंगूठा भी लगाऊंगा और मैं साइन भी करूंगा, तू लिख के तो। और 100 मिलियन ही आएंगे व्यूज, लिख के ला लेना, उससे ज्यादा ही आएंगे। हाँ, और अगर काइली जेनर ने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, मैं कह रहा हूँ यार दिल छोड़ो, दिन गार्डन गार्डन हो जाएगा। मैं उनके पूरे दिन उनके ब्लॉग चैनल बैठा रहूंगा, लग के दे रहा, मतलब कि मैं मेंबरशिप खरीद लूंगा, मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद लूंगा, उनका ब्लॉग मैं अपने रिंगटोन पे लगा दूंगा, उनका ब्लॉग मैं अपने कॉलर ट्यून पे लगा दूंगा, उनका ब्लॉग मैं अपने घर के डोर बेल पे। हाँ सही में यार। लेकिन तुझे नहीं लगता भाई, अगर अपन इन सभी जनों के एक ही दिन में व्लॉग देखने लगे, तो अपन अपना टाइम खराब करेंगे और अपन अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं हो पाएंगे। अरे तो अभी कौन सा सीरियस है अपन है? लेकिन मैं तो हूं ना यार सीरियस। मैं ना ये ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा, मैं ना करियर की बात कर रहा हूँ। ओ ये तो सच।